वेलकम दोस्तों, मैं हूं अटकुड़ जितेंद्र। आज के वीडियो में बताने वाला हूं कि अगर पत्नी इस तरीके का बयान देती है, फिर इस वर्ड का यूज करती है कि ना तो तलाक दूंगी ना साथ रहूंगी, तो पति इन वर्ड की वजह से दो केस अपनी साइड में कर सकते हैं, दो केस जीत सकते हैं, और वो केस बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही मोटे, बहुत ही बड़े केस हैं। तो उन केसों को पति अपनी साइड में करके और जीत सकते हैं। तो यहाँ पे कौन से केस है, किस तरीके से जीतना है, और इन बयान और इन वर्ड का किस तरीके से फायदा मिलेगा, तो बहुत ही खास और इम्पोर्टेंट वीडियो है। पूरा वीडियो बिल्कुल अंत तक देखना है, पूरी जानकारी आपके समझ में आ जाएगी, कहीं से भी वीडियो स्किप नहीं करना है। उससे पहले बता दूँ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिए, बेल आइकन पर वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं क्लियर कर देता हूँ कि पत्नी अगर इस तरीके से बोलती है कि ना तो तलाक दूंगी ना साथ रहूंगी, तो यहाँ पे पति को किस तरीके से इन बयानों से फायदा मिलेगा। जैसे पत्नी बोलती है कि ना साथ रहूंगी, तो यहाँ पे पत्नी मना कर रही है कि साथ नहीं रहूंगी, पति के साथ नहीं रहूंगी। अब यहाँ पे पति को किस तरीके से फायदा मिलेगा? जैसे पति तमाम कोशिश करता है पत्नी को लाने के लिए, जितने भी रास्ते हैं उनको पति यूज कर देता है, फिर भी पत्नी नहीं आती है। तो यहाँ पे ये साफ क्लियर हो जाएगा कि पत्नी बिना उपयुक्त कारण के अपने मायके रह रही है या फिर पति को छोड़ के रह रही है। तो यहाँ पे पति को इस तरीके से इस केस में फायदा मिलेगा, वो केस है मेंटेनेंस का केस, यानी कि मेंटेनेंस के केस में पति को इससे फायदा मिलेगा। CRPC 125 के सब क्लोज 4 में क्लियरली मेंशन किया गया है, उसमें लिखा गया है कि अगर पत्नी बिना उपयुक्त कारण के अगर पति से अलग रह रही है तो मेंटेनेंस की हकदार नहीं होगी। तो ये बयान, ये वर्ड इस तरीके से मेंटेनेंस केस में काम आएगा, पति के मेंटेनेंस नहीं देना पड़ेगा। ये बयान के आधार पे पति मेंटेनेंस केस को अपनी साइड में कर सकते हैं, मेंटेनेंस केस को जीत सकते हैं। अब यहाँ पे दूसरा बयान कि ना तलाक दूंगी ना साथ रहूंगी, तो ये कंबाइंड अपन इस बयान को नोट कर लेते हैं। इसी के आधार पे पति दूसरा केस कौन सा है जिसको जीत सकते हैं? पति दूसरा केस जीत सकते हैं वो है डाइवोर्स का केस। अगर पति कंटेस्टेड डाइवोर्स के लिए फाइल करते हैं, पत्नी अगर राजी नहीं है डाइवोर्स देने के लिए, उस सिचुएशन में पति कंटेस्टेड डाइवोर्स के लिए अप्लाई करेंगे सेक्शन 13A में। तो यहाँ पे पति को इस केस में इस वर्ड से, यानी कि इस बयान से फायदा मिलेगा कि ना तो तलाक दूंगी ना साथ रहूंगी। अगर पत्नी इस तरीके से बोलती है तो पति के साथ में मेंटल क्रुएल्टी करती है, यानी कि मेंटल क्रुएल्टी का ग्राउंड बनता है। यहाँ पे जानबूझ के साथ नहीं रहना चाहती है और ना ही तलाक देना चाहती है, यानी कि पति को परेशान करना चाहती है और परेशान करके ही रखना चाहती है। तो ये मेंटल क्रुएल्टी का ग्राउंड बनता है, और इसी बयान के आधार से, इसी वर्ड की वजह से पति को तलाक मिल सकता है। तो यहाँ पे ये वर्ड, ये बयान बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो दूसरा केस इस तरीके से पति अपनी साइड में कर सकते हैं, दूसरे केस को इस तरीके से जीत सकते हैं। तो ये जानकारी आपके समझ में आ गई होगी, बहुत ही खास और इंपॉर्टेंट जानकारी है। तो वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, और लोगों को भी जानकारी का पता चल सके। तो फिर आगे मिलेंगे आपसे नए वीडियो, नए टॉपिक के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।